कभी आपने सोचा है कि हमारे लोग क्यों बिक जाते हैं? क्योंकि जब हम अपने आप को मुसीबत में घिरा पाते हैं और अपनों से मदद की गुहार लगाते हैं, बड़े अधिकारी, प्रभावशाली लोग, नेता सभी के पास जाते हैं, लेकिन अफसोस हम अपनों से ही कोई मदद नहीं पाते हैं। तब लाचार होकर हम आखिर उन्हीं के पास जाते हैं जो हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। वो हमारी मदद का स्वांग रचाते हैं, मदद के नाम पर हमारा जमीर भी गिरवी रखवा जाते हैं। फिर हमारा समाज कहता है कि वोट के समय लोग क्यों बिक जाते हैं? क्योंकि समाज में बहुत से नेता वो बने हैं जो खुद ऊना पैक्ट के जने हैं, जो खुद को उनके सामने असहाय पाते हैं, जो उनको भी लोभ झूठे मुकदमों में फंसाते हैं। तो क्या हम ऐसे ही फंसते रहे मुकदमों के चक्रव्यूह में? तो क्या हम बिकने दे समाज को लाचारी के मूल्य में? छोटा सा चारा लगे कांटे से कब तक होगा हमारा शिकार? हमारा संविधान खतरे में है, इसलिए अब है वक्त की पुकार। हम खुद बने सक्षम, करें बाबा साहब का सपना साकार। रोजगार से आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य की सुनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा का अधिकार। अब आर्थिक क्रांति से सामाजिक क्रांति का आगाज हो। चलो बनाए बहुजनों को इतना सक्षम कि उनमें जीत का विश्वास हो, ताकि जाना न पड़े किसी गैर की चौखट पर। हम सहारा बने एक दूसरे का, अपनों के हाथों में अपना हाथ हो। क्योंकि मैं नहीं चाहता जो मेरे साथ बीता वो बहुजनों के साथ हो। जय भीम साथियों, मैं रमेश थेटे एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज विषय थोड़ा फिल्मों से हटके हैं। मुझे लगा कि आपसे बात होना चाहिए और थोड़ा सा बात करने में खुलापन हो, थोड़ी डायरेक्ट बात हो जाए और बात भी ऐसी हो जाए कि ये वक्त की पुकार है, वक्त की मांग है। और यही सोच के मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। दरअसल बाबा साहब के जाने के बाद हमारे समाज की जो स्थिति है उसका यदि हम विश्लेषण करते हैं तो आप ये पाएंगे कि बहुत बड़ा तबका, समाज का बहुत बड़ा तबका, जो लाभ समाज को मिलना चाहिए था उससे वंचित है। वंचित इसलिए कि दौड़ में थोड़ा वो कमजोर पड़ा और फिर आगे जा नहीं पाया। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके कई कारण हैं। आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन मेरा जो विश्लेषण है वो फैक्ट्स के आधार पे है, तथ्यों के आधार पे है। हम आज देखते हैं कि हमारे गांव में, मतलब ग्रामीण इलाकों में और शहरों में भी, जहां ज़्यादातर जो गरीब तबके के लोग रहते हैं हमारे समाज के, वो झुग्गी झोपड़ियों में, झोपड़पट्टी में और छोटे छोटे ऐसे मकानों में रहते हैं जहां जाने के बाद आपको पता चलेगा कि ये आखिर ये लोग भी उसी समाज का हिस्सा है जिस समाज का एक कलेक्टर है, कमिश्नर है, मंत्री है, विधायक है, सांसद है या मुख्यमंत्री है। उनका स्टेटस और इन लोगों का स्टेटस, इसमें इतना जमीन आसमान का अंतर क्यों है भाई? अगर हम इसका विचार करते हैं तो आपको ऐसे चौंकाने वाले तथ्य मिलेंगे। बड़े पैमाने पे हमारे समाज के लोग नौकरी में हैं, IAS IPS से लेके छोटा से छोटा कर्मचारी हमारे समाज का। वो इसलिए बना, इसलिए पद पे गया क्योंकि बाबा साहब ने ऐसी व्यवस्था लागू करके हमें सौगात दी, हम पर उपकार किया। तो फिर इसका इवन डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था, मतलब समान रूप से कहो या एक सम्यक वितरण
संसाधनों का सम्यक वितरण होना चाहिए था जो हो नहीं पाया। या आप ये कह सकते हैं कि जिनको मिला उन्होंने शेयर नहीं किया, आपको चिंता नहीं है। और फिर सरकार दुनिया भर के प्रोग्राम्स निकालती है और रोजगार की क्या स्थिति होती है वो हमें मालूम है। मैं 35 साल नौकरी में था, प्रशासन में था, बड़ी नौकरी में था, मैं जानता हूं। तो इसका कारण जो है मेरे साथियों, मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं एक वास्तववादी विश्लेषण आपको बताया मैंने, और फैक्ट है। और इसके आधार पे मैं आपके साथ में जो आज मैं वार्तालाप कर रहा हूं, उसका कारण यह है कि इस स्थिति में परिवर्तन होने की आवश्यकता है। हो सकता है परिवर्तन हो सकता है। रियलिटी सिनेमा के लिए सब्सक्रिप्शन प्राप्त करने के लिए काम करना पड़ेगा, यानी पहले से जो मैंने बताया है उसमें लोगों की सेवा, आपका न्यूज रिपोर्टिंग, और इसके साथ साथ अभी जो मैं कह रहा हूं इनका ये तीसरा काम है, वो है सब्सक्राइबर्स को कंपनी के साथ में जोड़ना। मतलब जिस एरिया में वो रहते हैं, उस एरिया में, जिस क्षेत्र में उनकी पदस्थापना है, वहां पर उनको हमारे लोग, बहुजन समाज के लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग या संविधान में विश्वास रखने वाले लोग, इन लोगों को सब्सक्राइबर्स के रूप में कंपनी के साथ में जोड़ना है। और कंपनी का जो OTT प्लेटफॉर्म है इक्वालिटी सिनेमा, उसके लिए काम करना है। अब मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं, यानी हमारे लोगों से अपील करना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं, आप बड़ी बड़ी कंपनी की फिल्में देखते हैं, आप पैसे देके रामायण महाभारत देखते हैं, मतलब उनके तो बहुत बड़े बड़े चार्जेस है, पर मंथ उनका चार्जेस का जो ढांचा है वो बड़ा है, ज्यादा पैसे लगते हैं। मैं तो केवल बोल रहा हूं कि हमारे जो परिवार है, जो गांव में बसते हैं, पंचायत में बसते हैं, शहरी वार्डों में, जो झुग्गी झोपड़ी और कहीं भी हमारे, उनको केवल इस कंपनी की, आपके कंपनी की फिल्में देखना है, बड़ी फिल्में देखना है। ये फिल्में जो बड़ी होती है पहले थिएटर में देखना जरूरी है, उसका कैनवास वो है, बड़ा है तो आपको थिएटर में देखना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ फिर छोटी फिल्में भी होगी, तो ये बड़ी फिल्में भी और छोटी फिल्में भी फिर OTT प्लेटफॉर्म पर ये आएगी, ये हो गया। देन वेब सीरीज, हमारे महापुरुष है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, छत्रपति शाहू महाराज, शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्री बाई फुले, मान्यवर पेरियार जी, मान्यवर कांशीराम जी, ये जो महापुरुष हमारे हैं, हमारे समाज के धरोहर है ये, तो इनके जीवनी पर वेब सीरीज बनेंगी, हम वेब सीरीज निकालना चाह रहे हैं। ये देखिए, देन आपके म्यूजिक वीडियोज है, गाने है, ये परिवर्तनवादी, क्रांतिवादी, ऐसे गाने हमारे बहुत सारे कलाकार हैं, इन कलाकारों को हम चांस देना चाहते हैं, जो आर्टिस्ट है बहुजन समाज के, वो सारे आर्टिस्ट को हम चाहते हैं कि वो इस कंपनी के साथ में जुड़ जाए और उनको काम देंगे, वो एक्टिंग करेंगे, गाने गाएंगे, डांसेस है, बुद्धिज्म का विचार जो है डांसेस के माध्यम से भी एक अच्छे ढंग से लोगों के सामने ला सकते हैं, नृत्य ये है। फिर आपके रियलिटी शोज हैं, रियलिटी शोज के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीचेस है, और आखिरी जो कंटेंट है वो है इक्वालिटी न्यूज चैनल, डिजिटल न्यूज चैनल। इतना सारा कंटेंट केवल 100 रुपए प्रति माह हम लोगों को देना चाहते हैं, और उसमें भी अगर 12 महीने की कोई एकमुश्त, 12 महीने का कोई एकमुश्त भुगतान अगर कोई करना चाहता है तो 12 महीने का 1200 हो जाता है, तो हम 1000 में देंगे, 200 की छूट देंगे, डिस्काउंट। अगर 6 महीने का कोई भुगतान करना चाहता है उनको 500 रुपए में देंगे, 100 रुपए का डिस्काउंट वहां भी है, इस तरह की व्यवस्था है। ये पैसा कंपनी के पास में आएगा, लोग देखिए, अदरवाइज भी अगर मैंने ये व्यवस्था लागू नहीं की और हमने ये OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, लोग तो देखेंगे, बोलने की जरूरत नहीं, कंटेंट ही ऐसा है, एडवर्टाइजिंग होगी, लोगों तक ये बात पहुंचेगी कैसा है, लोग तो अपने आप आएंगे। लेकिन मेरी ओर से, कंपनी की ओर से,
आपकी कंपनी की ओर से एक ऐसी व्यवस्था मैं लागू करना चाहता हूं, लोगों का ध्यान भी रखा जाए और ये OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से बाबा साहब का विचार भी आगे जाए, ये मैं चाहता हूं। और इसके लिए व्यवस्था लागू हो गई है और हम बहुत जल्द जो है इस तरह का रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं, ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर। एक फॉर्म आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा, उस फॉर्म में जो जो जानकारी है वो भर करके कोई भी अप्लाई कर सकता है। जो व्यक्ति अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई करें और अपना जो आवेदन है इसमें जो फॉर्मेट दिया गया है वो आवेदन व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, आपका एप्लीकेशन आ जाएगा, हम उसकी छानबीन करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे और फिर जो है एक शॉर्ट लिस्ट होगी और उस पंचायत में, उस ब्लॉक स्तर पर, उस ज़िले में इसकी इसकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो अपनाएंगे। और इस तरह से नियुक्तियाँ होंगी, पहले नियुक्तियाँ ट्रायल पे होंगी, एक महीने का ट्रायल होगा, वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कैसा काम करते हैं, वो लायक है नहीं है, इसका ट्रायल होगा। और ट्रायल के बाद जो है उनको एक रेगुलर जो उनकी नियुक्ति कंपनी की व्यवस्था में उनकी हो जाएगी, तो न्यूज़ रिपोर्टिंग का काम भी करेंगे, कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। अगर ये होता है तो हमारा आदमी लाचारी से मुक्त हो जाएगा। ये व्यवस्था, आपकी व्यवस्था अगर इसमें लागू हो जाती है, लोगों का ध्यान रखा जाता है, अपनापन डेवलप हो जाता है और लोग इकट्ठा हो जाते हैं, बाबा साहब का झंडा अपने हाथ में लेकर आगे चलते हैं, तो सामाजिक क्रांति तो अपने आप हो जाएगी। तब जो है सामाजिक क्रांति और बाबा साहब का विचार मजबूत हो जाएगा। और ये दोनों चीजें अगर होती हैं तो बाबा साहब की सरकार इस देश में लागू हो सकती है। इसमें बड़ी भूमिका हमारा सर्विस क्लास अदा कर सकता है। हमारा सर्विस क्लास, बड़े अधिकारी, मिडिल लेवल के अधिकारी और हमारा जो स्टाफ है, क्लास 3 एम्प्लॉयज, क्लास 4 एम्प्लॉयज, ये बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। हम इक्वालिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से, डिजिटल न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो 24/7 लाइव होगा, इस तरह की न्यूज़ की व्यवस्था है, उसमें हमारे कर्मचारियों को, अधिकारियों को भी बहुत बड़ा सामना करना पड़ता है अन्याय का, अत्याचार का। उनके CR खराब कर दिए जाते हैं, उनकी डी की जाती है, किसी को नौकरी से निकाला जाता है, किसी को सस्पेंड किया जाता है, ये तमाम बातें होती है। हम उनकी भी रक्षा करने के लिए आ गए हैं, आएंगे। आप निश्चिंत रहे मेरे अधिकारी और कर्मचारी भाइयों बहनों, ये आपका चैनल बनेगा, आपकी आवाज़ बनेगी और आप, हम मिलकर ये व्यवस्था लागू कर सकते हैं। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं, शंका मत कीजिएगा, मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, कोई छिपा एजेंडा नहीं है, जो बात मुझे कहनी थी मैंने आपको कह दी। इसमें आपकी सहायता चाहिए, बाबा साहब के विचार को आगे ले जाने के लिए सहायता चाहिए। आप तो वैसे भी, आप तो सर्विस पेशा व्यक्ति हो, आप तो वैसे ही आप फिल्में देखते हैं, बाकी कंपनीज की फिल्में देखते हैं, उनके सीरियल्स देखते हैं और पैसा खर्च करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 100 रुपया प्रति माह केवल इसकी कीमत है। ये OTT प्लेटफॉर्म, इस समाज का OTT प्लेटफॉर्म होने वाला है, ये बड़ा आंदोलन है, ये और बड़ा कंटेंट है, और इस कंटेंट को समाज तक पहुँचाने के लिए, एक आखिरी व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए आपकी भूमिका अच्छी हो सकती है। मैं आपके पास आऊँगा, मैं आपसे निवेदन करूँगा, आप सवाल पूछिए, उन तमाम सवालों का जवाब हम देंगे। कोई अपने मन में सवाल मत रखना, जो आपको मेरी टेस्ट लेना है कि कहीं ऐसी वैसी बात तो नहीं है, आप लीजिएगा। हाँ, मेरे, मुझ पर जो है, बाकी जो जातिवादी लोग हैं, मतलब मुझे टारगेट किया जा सकता है, लेकिन मैं निकला हूं, मैं बाहर आके निकला हूं और बाबा साहब का झंडा हाथ में लिया है। मैं तो आर्थिक क्रांति से सामाजिक क्रांति की ओर आपको ले जाना चाहता हूं। जिस आदमी के जेब में पैसा नहीं रहता है, अपने परिवार की देखभाल करने के लिए पैसा नहीं रहता है, वो लाचार ही रहता है और लाचार आदमी सामाजिक क्रांति नहीं कर सकता। जरूरी क्या है? जरूरी है कि बहुजनों के लिए कुछ किया जाए, और ये कुछ किया जाने का मेरा निवेदन है
साथ जरूर देना, शंका मत करना, ये शंका का समय नहीं है। अगर साथ देंगे तो नई व्यवस्था लागू हो सकती है इस देश में, और मुझे आशा है आप साथ देंगे, बाबा साहब के बंदे हैं। मित्रों चलो बाबा साहब के रास्ते पर, जय भीम। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।